तो हे हेलो एंड वेलकम गाइज, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल एक्सपर्ट इंटरनेट में। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप बहुत ही आसानी से किसी भी जेपीजी या जेपीईजी फाइल को पीडीएफ में बना सकते हैं। गाइज, आज मैं आपको एक ऐसा शॉर्टकट तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप किसी भी जेपीजी फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, कुछ ही सेकेंडों में आपका काम पूरा हो जाएगा और ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। पूरी वीडियो देखते रहें, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आप किसी भी जेपीजी फाइल को पीडीएफ का रूप दे सकते हैं, वो भी साइज जो होगा पीडीएफ का बिल्कुल छोटा से छोटा होगा। गाइज, इतना छोटा साइज फिर पीडीएफ का नहीं बन सकता। तो चलिए गाइज, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। और गाइज, आगे बढ़ने से पहले करना चाहते हैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश, अभी तक से आपने मेरे इस चैनल इंटरनेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके नीचे लाल कलर का बटन होगा, सिंपल एक बार दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से होगा ये गाइज, आप मेरे सारे वीडियो को बिना मिस किए देख पाएंगे और गाइज जिसका कोई भी चार्ज नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री है। तो फटाक से इस वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए गाइज, सबसे पहले आपको गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन कर लेने के बाद आपको यहाँ पे, चलिए सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि कौन से फाइल को हम पीडीएफ का रूप देने वाले हैं। तो देखिए, ये रहा फोल्डर, ये एक फोल्डर मैंने ऑलरेडी खोल के रखा हुआ है जिसमें देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए ये तरह तरह पासबुक और आधार कार्ड वगैरह हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे साइज़ देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैं ये जो पासबुक है इसका मैं साइज़ देख लेता हूँ आपको गाइज। ये देखिए, ये साइज़ है जो आपको प्रॉपर्टी में आके मैं चेक करा देता हूँ। देखिए ये जेपीजी फाइल है और आप देख सकते हैं इसका साइज 192 केबी है। तो चलिए हम इसको फटाक से आपको कन्वर्ट करके दिखा देते हैं। देखिए 192 केबी मात्र इसकी साइज है। तो चलिए, हमको इसको 200 केबी के अंदर का ही रूप देना है पीडीएफ का। अगर हम किसी थर्ड तरीके से अगर हम पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं तो गाइज कभी भी ये 192 या 200 केबी के अंदर का पीडीएफ नहीं बन पाएगा, उससे ज़्यादा ही बनेगा। तो चलिए अब बता देते हैं, यहाँ पे ओके करते हैं। यहाँ पे गाइज आपको गूगल ओपन कर लेना है, उसके बाद से इसमें सर्च करना है JPG to PDF। लिख के जैसे ही आप सर्च करते हैं सबसे ऊपर आपको देखना है ये smallpdf.com की वेबसाइट है। याद रखिए गाइज, ये smallpdf.com की वेबसाइट को ही आपको ओपन करना है। तो चलिए यहाँ पे JPG to PDF कन्वर्टर को ओपन कर लेते हैं। देखिए ये ओपन हो गया है। जैसे ये ओपन होगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस इसका शो होता है, उसके बाद से यहाँ पे आपको यहाँ पे लिख दिखाई दे देगा ड्रॉप इमेज हियर, या आप खींच करके इमेज को यहाँ पे लाके छोड़ सकते हैं या फिर चूज फाइल पे क्लिक करके चूज भी कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे ड्रॉप नहीं करने वाले हैं, हम सिंपल यहाँ चूज फाइल पे क्लिक कर देते हैं। तो चलिए ये देखिए, चूज फाइल पे हमने क्लिक कर दिया है। उसके बाद से यहाँ पे हम जहाँ पे हमारा पीडीएफ है जहाँ पे जेपीजी फाइल हमारा है फाइल को हम यहाँ पे ले लेते हैं। देखिए ये रहा फाइल। देखिए हमने फाइल पर डबल क्लिक जैसे ही किया, थोड़ा टाइम वेट करना है। ये देखिए अपलोडिंग हो रहा है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। देखिए ये अपलोड हो गया। अपलोड हो जाने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पीले रंग में लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट पीडीएफ नाउ। तो हमको सिंपल एक बार इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद देखिए जनरेट करने में थोड़ा सा एक सेकंड का टाइम लेता है गाइज। देखिए जनरेट हो गया है, बिल्कुल ही हमारा पीडीएफ सामने आ गया है। यहाँ पे डाउनलोड का यहाँ पे ऑप्शन हो रहा है। तो देखिए सिंपल हमको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो देखिए जैसे हमने इसको क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड किया, ये रहा फाइल। यहाँ पे क्लिक करके यहाँ सोनी फोल्डर पे क्लिक करके यहाँ पे कट कर लेते हैं। कट करके इसको मिनिमाइज करके फिर हम वहीं पे आके पेस्ट कर देते हैं। हम देखिए पेस्ट कर देने के बाद गाइज आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखिए 192 केबी, और इसी को यहाँ पे आपको चेक करा दें। ये देखिए 1 KB मात्र बड़ा है, 193 केबी में है। देखिए डबल क्लिक करके इसको ओपन करके आपको दिखा देते हैं। देखिए ये वही पासबुक है, यहाँ पे डबल क्लिक करके आपको ओपन करके दिखा देते हैं। देखिए गाइज, तो चलिए इसी तरीके से हम फिर आपको दिखा देते हैं, हम दूसरा करते हैं। यहाँ से सिंपल करना है बैक, उसके बाद फिर यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आधार कार्ड को अपलोड, देखिए ये अपलोड हो रहा है। अब इस समय आधार कार्ड पीडीएफ में बन रहा है।
गाइज इससे पहले आपको आधार कार्ड का साइज दिखा देते हैं। अभी ये आधार कार्ड था, तो चलिए यहाँ पे प्रॉपर्टी पे आते हैं। देखिए केवल 160 KB में यहाँ पे दिखा रहा है, 160 KB का ये है। तो चलिए अब यहाँ पे जनरेट करते हैं। तो क्रिएट PDF नाउ पे हमको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद देखिए PDF बन गया। डाउनलोड पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। देखिए डाउनलोड भी हो गया। तो चलिए इसको कट करके फिर वहीं पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये देखिए हमने पेस्ट कर दिया है सिंपल। अब साइज दिखा देते हैं आपको। ये आधार कार्ड था, ये साइज 160 KB और ये साइज बिल्कुल गाइज 160 KB बिल्कुल। देखिए सेम टू सेम उसी साइज में इसने इसको बना दिया है गाइज। ये बहुत ही मस्त वेबसाइट है गाइज। जैसा कि मैं काफ़ी सारे वेबसाइट और काफ़ी सारे तरीकों को यूज किया है मैंने, लेकिन इतना ज़्यादा शानदार वेबसाइट गाइज ये है कि बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे PDF को बना देता है, बिल्कुल छोटा से छोटा PDF गाइज। तो चलिए एक और दिखा देते हैं यहाँ पे, एक और आधार कार्ड को स्कैन करके आपको दिखा देते हैं एक बार। सबसे पहले साइज देख लेते हैं। ये देखिए ये 157 KB का है। अब सिंपल इसी को करने वाले हैं। यहाँ से करते हैं बैक, चूज फाइल, ये रहा आधार कार्ड। सिंपल हो रहा है गाइज यहाँ पे। अपलोड होने देते हैं। देखिए अपलोड हो गया है। अब क्रिएट PDF नाउ पे हमने क्लिक कर दिया है। सिंपल ये डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, डाउनलोड पे क्लिक कर देते हैं। देखिए गाइज बस कुछ ही सेकंडों में हमारा PDF बन करके यहाँ पे रेडी हो जाता है। ज़्यादा टाइम नहीं लेता है गाइज, बहुत ही इंस्टेंट PDF बना देता है ये। ये देखिए जैसा कि हमने साइज आपको दिखाया हुआ था 157 KB में था। मैं फिर से दिखा देता हूँ। देखिए 157 KB JPG फाइल है ये और ये PDF फाइल है। इसको दिखा देते हैं। देखिए 157 KB बिल्कुल उसी साइज में बना देता है गाइज। कभी भी आप बहुत ही आसानी से इस वेबसाइट को यूज करके आप कोई सा भी PDF तैयार कर सकते हैं। तो चलिए गाइज उम्मीद है अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा। तो चलिए गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर कोई सवाल हो आपका तो कमेंट के नीचे ज़रूर पूछिएगा गाइज। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।